हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, कंटिन्यू करते हैं हमारी अकाउंट्स की एमसीक्यू सीरीज को। तो पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर या टेबलेट स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन क्या है? सैलरी ड्यू फॉर द मंथ ऑफ मार्च विल अपीयर इन विच साइड ऑफ द कैश बुक। आपकी मार्च मंथ की सैलरी ड्यू हुई है, वो बताइए कैश बुक में कौन सी साइड दिखाई जाएगी। रिसीट साइड दिखाई जाएगी, पेमेंट साइड दिखाई जाएगी, कॉन्ट्रा एंट्री होगी या फिर कुछ भी नहीं आएगा। जल्दी से बताओ बच्चों, सा करेक्ट आंसर क्या होगा। सैलरी ड्यू है हमारी मार्च मंथ की, कहां दिखाई जाएगी कैश बुक के अंदर? रिसीट साइड, पेमेंट साइड, कॉन्ट्रा साइड या फिर कहीं भी नहीं? जल्दी से बताओ बच्चों, ए बी सी या फिर डी, इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीस। इसका आंसर क्या है? नन ऑफ द अबव। क्यों बच्चों? कैश बुक के अंदर कौन से ट्रांजेक्शन आते हैं जो कैश में आया हो या कैश में गया हो? किसी भी तरीके का आउटस्टैंडिंग ट्रांजेक्शन नहीं आता। और यहाँ पे क्या दे रखा है? सैलरी ड्यू। सैलरी ड्यू का मतलब क्या है? आउटस्टैंडिंग सैलरी नहीं आएगा कैश बुक के अंदर। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। अगला सवाल, मोहित पेड रुपीज 9,800 इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ रुपीज 10,000। 10,000 देने थे, 9,800 करके सेटलमेंट कर लिया अकाउंट का। डिस्काउंट अलाउड विल बी रिकॉर्डेड इन। डिस्काउंट अलाउड को कहां रिकॉर्ड करेंगे हम लोग? कैशबुक में रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, कैशबुक जर्नल दोनों जगह रिकॉर्ड किया जाएगा या फिर सिर्फ पेटी कैशबुक में रिकॉर्ड किया जाएगा? जल्दी से बताओ बच्चों, जो डिस्काउंट अलाउड है वो कहां रिकॉर्ड किया जाएगा? कैशबुक में, जनरल में, कैशबुक जनरल दोनों जगह डिस्काउंट रिकॉर्ड होगा या फिर सिर्फ पेटी कैशबुक में डिस्काउंट रिकॉर्ड होगा? जल्दी से बताओ बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। और बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, जनरल। ध्यान रखना, डिस्काउंट अलाउड, कोई पैसा लेना देना नहीं हुआ बल्कि पैसे कम लिए हैं, ठीक है ना? तो जो डिस्काउंट दिया वो कैश ट्रांजेक्शन नहीं है, तो कैश बुक में नहीं आएगा। पेटी कैश बुक तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, कहां आएगा? जर्नल बुक में आएगा। क्या ये लॉजिक क्लियर है आपको? ओके, अगला सवाल, ड्रॉइंग्स फॉल्स अंडर विच अकाउंट। ड्रॉइंग अकाउंट होता है, उसका नेचर क्या होता है? पर्सनल होता है, रियल होता है, नॉमिनल होता है या फिर कुछ होता ही नहीं है? जल्दी से बताओ बच्चों, ड्रॉइंग्स अकाउंट का नेचर क्या होता है? पर्सनल होता है, रियल होता है या फिर नॉमिनल होता है या फिर कुछ भी नहीं होता है? जल्दी से बताओ, ए बी सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका करेक्ट आंसर। अच्छा बच्चों मुझे एक बात बताओ, ड्रॉइंग्स कौन करता है? कौन करता है? मालिक करता है। और मालिक कौन है? एक इंसान है। मालिक ने पैसा वापस ले लिया तो ये क्या हुआ? पर्सनल अकाउंट हुआ। आया ना, क्या हुआ? पर्सनल अकाउंट हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि मालिक के नाम पे सिर्फ दो ही अकाउंट ओपन करते हैं, या तो कैपिटल अकाउंट ओपन करते हैं या फिर बिल्कुल सही ड्रॉइंग्स अकाउंट ओपन करते हैं। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। क्लियर? ओके, अगला सवाल, द बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। क्या लिखा हुआ? बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक ऑलवेज शोज अ बैलेंस, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, Either of debit or credit balance या फिर neither of debit or nor credit balance। बताओ बच्चों, A, B, C या फिर D, इसमें से क्या इसका आंसर क्या होगा? कि बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक का बैलेंस कौन सा आ सकता है? डेबिट आता है हमेशा, क्रेडिट आता है, डेबिट क्रेडिट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं आएगा। जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या है, A, B, C या फिर D? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका करेक्ट आंसर। और करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, either debit or credit balance। क्यों है इसका ये आंसर? क्योंकि बैंक का पैसा या तो पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव का मतलब आपने ओवरड्राफ्ट कर लिया हो, ठीक है? लेकिन कैश का सिर्फ डेबिट बैलेंस होगा, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है? कैश कभी भी नेगेटिव में नहीं जाता, बैंक का बैलेंस नेगेटिव में जा सकता है। ओके, अगला सवाल बच्चों, इंपॉर्टेंट, ट्रिकी एंड इंपॉर्टेंट, द बैलेंस ऑफ द सेल्स कॉलम इन द सेल्स डे बुक इज 30,000। आपकी आज की सेल हुई है बच्चों कितनी? 30,000 की सेल हुई है और 5,000 डेटर शाम को आके दे गया, एंड रुपीज 5,000 वर रिकवर्ड फ्रॉम डेटर्स, ठीक है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपका सेल्स डे बुक का जो टोटल है वो कितना है? 30,000 है और शाम को 5,000 रुपए आपका डेटर दे गया। तो मेरे को ये बताओ,
देन द बैलेंस ऑफ सेल्स कॉलम विल बी ट्रांसफर्ड बाय विच अमाउंट, तो कितना पैसा ट्रांसफर किया जाएगा सेल्स बुक में से, 25,000, 30,000, 20,000 या फिर 35,000? जल्दी से बताओ बच्चों, सर करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? सेल हुई है 30,000 की, 5,000 डेटर दे गया, तो बताओ सेल बैलेंस ऑफ सेल्स को कितना ट्रांसफर किया जाएगा, ए बी सी या फिर डी? 25, 30, 20 या फिर 35? जल्दी से बताओ, ए बी सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका आंसर। बच्चों जितनी सेल्स हुई है हम उतना ही तो ट्रांसफर करेंगे सेल्स बुक में। डेटर ने पैसे दिए थे वो कैश में पैसा आ गया, और डेटर ने पैसा दिया इसका मतलब पहले सेल हो गई होगी, और जब पहले सेल हो गई हमने पहले रिकॉर्ड कर भी ली होगी। ये आपको चीज समझ में आई? पहले सेल हुई है तो पहले रिकॉर्ड भी कर ली होगी, पैसा अब आया तो अब कुछ नहीं होगा इसका, सिर्फ कैश में एंट्री जाएगी, बल्कि आज जो बस आपकी 30,000 की सेल हुई है सिर्फ वही ट्रांसफर करी जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, 30,000। क्लियर? ओके, अगला सवाल बच्चों क्या दे रखा है जरा स्क्रीन पे लाया जाए। हाँ, बैलेंस इन पेटी कैश बुक इज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बैलेंस इन पेटी कैश बुक इज एन एक्सपेंस, अ प्रॉफिट, एसेट या फिर इनकम? क्या है बच्चों आपके पेटी कैश बुक में कुछ बैलेंस बचा हुआ है पैसों का, वो क्या है, एक्सपेंस है, प्रॉफिट, एसेट है फिर इनकम है? जल्दी से बताओ क्या है वो, एसेट है, इनकम है, प्रॉफिट है या फिर एक्सपेंस है? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। आई होप अभी तक आपने गैस कर लिया होगा, अगर अभी भी गैस नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करो, सोचो फिर वीडियो प्ले करो, जिससे मेरा आप आंसर सुन पाओ। तो हम तो डिस्कस कर ही लेते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, एन एसेट्स। बैलेंस इन पेटी कैश बुक, बच्चों बैलेंस पड़ा हुआ है, कैश बैलेंस पड़ा हुआ तुम्हारे हाथ में, और जो कैश बैलेंस क्या होता है हमारा, एसेट होता है। क्लियर? ओके, अगला सवाल, गुड्स सोल्ड फॉर कैश रुपीज 25,000 प्लस 12% आईजीएसटी। ओ माय गॉड, यहाँ पर आईजीएसटी भी आ गया। सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय, आपने 25,000 का सामान बेचा 12% आईजीएसटी लगा कर, तो आप मेरे को ये बताइए सेल्स अकाउंट को कितने से क्रेडिट किया जाएगा, 22,000 से, 25,000 से, 28,000 से या फिर किसी से भी? जल्दी से बता दो सका एक आंसर क्या हुआ, ए बी सी या फिर डी? अब बच्चे क्या करेंगे, फटाफट से 25,000 का 12% निकालेंगे, उसको एडलेस करने की कोशिश करेंगे। बच्चों अब यहां पर कर दोगे गलती, क्यों कर दोगे बच्चों? सेल तो 25,000 की हुई है, टैक्स अलग से एक्स्ट्रा लिया है, वो तो टैक्स अकाउंट में जाएगा ना। सेल तो हमारी कितने की हुई है, 25,000 की हुई है, तो सेल में क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी, 25,000 इज द करेक्ट आंसर। क्या ये चीज क्लियर है बच्चों आपको, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ओके, अगला सवाल, एंड डैश इज अ फॉर्मल रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर आइटम। किसको हम बोलते हैं कि यहां पर एक ही आइटम से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करे जाते हैं, उस चीज का नाम क्या है, अकाउंट, लेजर, जर्नल या फिर ट्रायल बैलेंस? बताओ बच्चों क्या आंसर होगा, वो जगह जहां पर हम सारे ट्रांजेक्शन पर्टिकुलर आइटम से रिकॉर्ड करते हैं, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, अकाउंट बोलते हैं, लेजर बोलते हैं, जर्नल बोलते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बोलते हैं? जल्दी से बता दो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं, उसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए, अकाउंट। अकाउंट की डेफिनेशन ही यही, अकाउंट इज अ स्टेटमेंट, अकाउंट इज अ फॉर्मेट, अकाउंट इज अ जो भी है जहां पर एक ही आइटम से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन लिखे जाते हैं, जैसे कैश अकाउंट, यहाँ पे सारे कैश के ट्रांजेक्शन होते हैं, परचेज अकाउंट, यहाँ पे सारे परचेजेस के लिखे होते हैं, सेल्स अकाउंट, यहाँ पे सारे सेल्स के ट्रांजेक्शन होते हैं। क्लियर? ओके, अगला सवाल, सेल ऑफ बिजनेस एसेट्स ऑन क्रेडिट, सेल्स ऑफ बिजनेस एसेट्स ऑन क्रेडिट इज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, जर्नल प्रॉपर, स्पेशल जर्नल या फिर कैश बुक? बताओ बच्चों इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? आपने बिजनेस एसेट को उधार पर बेचा है तो वो कहां रिकॉर्ड होगा, सेल्स बुक में होगा, जर्नल प्रॉपर में होगा, स्पेशल जर्नल में होगा या फिर कैश बुक में होगा? बताओ बच्चों इसका आंसर क्या है, ए बी सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर बी, जर्नल में ये रिकॉर्ड होगा। सेल्स बुक में क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम सेल्स गुड्स की रिकॉर्ड करते हैं। कैश बुक में क्यों रिकॉर्ड होगा, क्योंकि यहाँ पर कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होना चाहिए, बट यहाँ पर किसका ट्रांजेक्शन हो रहा है, क्रेडिट्स का ट्रांजेक्शन हो रहा है। क्लियर हो रहा है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो रहा है, बस पैसे जर्नल नाम की वो चीज होती नहीं है। क्लियर? अगला सवाल, व्हेन अ फर्म्स मेंटेन अ कैश बुक इट इज
इट नीड नॉट मेंटेन। अगर आपकी फर्म कैश बुक ऑलरेडी मेंटेन करती है तो आपको क्या बनाने की जरूरत नहीं है, जर्नल प्रॉपर, परचेज बुक, सेल्स बुक या फिर कैश एंड बैंक अकाउंट एंड लेजर। बताओ बच्चों, अगर आपकी फर्म कैश बुक ऑलरेडी बना रही है तो आपको क्या बनाने की जरूरत नहीं है, जर्नल प्रॉपर बनाने की जरूरत नहीं है, परचेज बुक बनाने की जरूरत नहीं है, सेल्स बुक बनाने की जरूरत नहीं है या फिर कैश एंड बैंक अकाउंट। इससे ज्यादा सिंपल क्या होगा, बताओ बच्चों इसका आंसर क्या है, ए बी सी या फिर डी। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका आंसर, और करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, कैश एंड बैंक अकाउंट एंड लेजर। जब ऑलरेडी कैश बुक में आप सारे चीजें रिकॉर्ड कर चुके हो तो अलग से कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं बनती। क्लियर हो गया आपको बच्चों, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड। हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, टू नो द पेमेंट मेड थ्रू चेक, टू नो द एरर्स इन द पासबुक, टू कंपेयर द कैश बुक विद पासबुक एंड असर्टेन द डिफरेंसेस, या फिर कुछ भी नहीं, किसी के लिए भी नहीं बनाते। बताओ बच्चों, ए बी सी या फिर डी, कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है, चेक के थ्रू जो पेमेंट हुई है वो पता करने के लिए, पासबुक में जो गलतियां हैं वो पता करने के लिए, कंपेयर करने के लिए कैश बुक और पासबुक और उसमें डिफरेंसेस क्या क्या आ रहे हैं, या फिर नन ऑफ द अबव। जल्दी से बताओ बच्चों इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों, वहां और ऑप्शन नंबर सी, टू कंपेयर द कैश बुक विद पासबुक एंड असर्टेन द डिफरेंसेस। वैसे एक बात है बच्चों, क्लास 11 में मैंने बात नोटिस करी है कि बैंक्स के बारे में मुश्किल से दो चार बच्चों को नॉलेज होती है। अगर एक क्लास की बात करूं तो 50 बच्चे होंगे क्लास के अंदर, तो मुश्किल से दो तीन बच्चों को नॉलेज होती है कि बैंक्स में कैसे ट्रांजेक्शन करे जाते हैं, पासबुक क्या होती है, और मेजोरिटी बच्चों ने तो पासबुक आज तक देखी नहीं होती है। अगर आपने आज तक पासबुक नहीं देखी है तो प्लीज अपने मम्मी पापा भैया भाभी से बोलिए, दादा दादी से भी बोल सकते हो कि हमको पासबुक देखनी है, पासबुक में होता क्या है, क्या है पासबुक, किस बला का नाम है, क्या क्रेडिट होता है, क्या डेबिट होता है, देखो उस चीज को समझो। और ज्यादा कोई दिक्कत है तो माइनर का बैंक अकाउंट ओपन करवा लो, करो सीखो बैंक में ट्रांजेक्शन कैसे होते हैं। अगला सवाल, अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय, बनाता कौन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाता कौन है बताइए, क्रेडिटर बनाते हैं, बैंक बनाता है, अकाउंट होल्डर बनाता है या फिर डेटर बनाते हैं। बताओ बच्चों, ए बी सी या फिर डी, कौन बनाता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, क्रेडिटर बनाते हैं, बैंक बनाता है, अकाउंट होल्डर बनाता है या फिर डेटर बनाता है। जल्दी से बताओ, ए बी सी या फिर डी, बताओ जो करेक्ट आंसर है बच्चों। जरा डिस्कस कर लेते हैं, अकाउंट होल्डर बनाता है, क्योंकि अकाउंट होल्डर ही तो बोलेगा कि मेरी कैश बुक में और मेरे पासबुक में क्या डिफरेंस आ रहा है, तो अकाउंट होल्डर ही बनाता है। क्रेडिटर को, बैंक को, डेटर को कोई भी मतलब नहीं होता कि बैंक रिकंसिलिएशन बनाने से, ये आप खुद बनाते हो। क्लियर, ओके। अगला सवाल, पासबुक इज अ कॉपी ऑफ, पासबुक एक्चुअल में किस चीज की कॉपी है, कस्टमर अकाउंट की, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, कैश कॉलम ऑफ कैश बुक या फिर रिसीट एंड पेमेंट। बताओ बच्चों, पासबुक किस चीज की कॉपी है, कस्टमर अकाउंट की, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, कैश कॉलम ऑफ कैश बुक या फिर रिसीट एंड पेमेंट। बताओ जल्दी से बताओ, ए बी सी या फिर डी, जल्दी से बताओ, ए बी सी या फिर डी। बिल्कुल सही आंसर आते हो मेरे पास, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, कस्टमर अकाउंट। कस्टमर अकाउंट की तो कॉपी होती है, आपका अकाउंट है, आपकी पासबुक है, और आपके अकाउंट्स में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो आपके पासबुक में दिखाए जाते हैं। क्लियर, ओके। अगला सवाल, अनफेवरेबल बैलेंसेस, अनफेवरेबल बैंक बैलेंस मीन्स, अनफेवरेबल बैंक बैलेंस मीन्स, क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक, डेबिट बैलेंस इन पासबुक, डेबिट बैलेंस इन कैश बुक या फिर फेवरेबल बैलेंस इन कैश बुक। जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा, कि अनफेवरेबल बैंक बैलेंस का मतलब क्या है, क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक, डेबिट बैलेंस इन पासबुक, डेबिट बैलेंस इन कैश बुक या फिर फेवरेबल बैलेंस इन कैश बुक। मतलब गाना गा रहा हूं मैं, कैश बुक पासबुक कैश बुक। बताओ बच्चों, ए बी सी या फिर डी, क्या आंसर होगा, ए बी सी या फिर डी। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं, तो बैंक के अंदर हमारा फेवरेबल बैलेंस होता है क्रेडिट, और अनफेवरेबल बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, डेबिट बैलेंस इन द पासबुक। क्लियर, ओके। अब बच्चों बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर, अगला सवाल क्या है, व्हेन चेक इज नॉट पेड बाय द बैंक, बैंक ने चेक का पेमेंट देने से मना कर दिया, उसको क्या बोला जाता है, चेक ऑनर हो गया, चेक एंडोर्स हो गया, चेक डिसऑनर हो गया या फिर
ऑनर एंडोर्स दोनों हो गया, ए बी सी या फिर डी। जब बैंक चेक का पेमेंट नहीं करता है तो उसे क्या बुलाया जाता है, ऑनर हो गया, एंडोर्स हो गया, डिसऑनर हो गया या फिर ए एंड बी। बताओ बच्चों इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी, पेमेंट नहीं दिया चेक का। बिल्कुल सही, चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, बैंक ने चेक का पैसा देने से मना कर दिया। क्लियर, ओके। अगला सवाल, बैंक स्टेटमेंट ऑल्सो कॉल्ड, बैंक स्टेटमेंट का दूसरा नाम क्या है, पासबुक, कैशबुक, क्रेडिट बुक या फिर डेबिट बुक। जल्दी से बताओ बैंक स्टेटमेंट का दूसरा नाम क्या है, पास, कैश, क्रेडिट या फिर डेबिट। जल्दी से बता दो, करेक्ट आंसर बता दो बच्चों, या सोचने के लिए टाइम चाहिए। चलो बता ही देते हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पासबुक। क्लियर, ध्यान रखना कभी भी अगर आपके पास पासबुक नहीं होता ना तो आप क्या बोलते हो, बैंक से स्टेटमेंट लिया। ध्यान रखना कभी भी पापा कभी आपको बोलते हैं या फिर कभी बैंक गए हो, या तो आपको पासबुक को प्रिंट करवाने के लिए बोलेंगे कि आप पासबुक में प्रिंट करवा ला जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करवा ला, नहीं तो क्या बोलेंगे, बैंक से जाके स्टेटमेंट लिया। तो बैंक स्टेटमेंट और पासबुक को इंटरचेंजल भी हम यूज कर सकते हैं, बट पासबुक एक किताब होती है और स्टेटमेंट आपके पेजेस होते हैं, ठीक है, ओके। अब आ रहे बच्चों थोड़े क्वेश्चंस की तरफ, क्वेश्चन क्या दे रखा है, अ बिजनेस रिसीव इट्स बैंक स्टेटमेंट। बच्चों यहाँ पे हैंक नहीं है, बैंक है, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे बैंक आएगा। अ बिजनेस रिसीव इट्स बैंक स्टेटमेंट शोइंग क्लोजिंग बैलेंस एज रुपीज 8,500 ओवरड्रॉन। ओ माय गॉड, ओवरड्रॉन, ठीक है। इट इज फाउंड दैट देयर वर अनप्रेजेंटेड चेक अमाउंटिंग टू रुपीज 2,000, ओके। अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स अमाउंटेड टू रुपीज 1,500, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक इज 5,000, 8,000, 9,000 या फिर 12,000। बताओ बच्चों इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। दो मिनट का टाइम दे रहा हूं, वीडियो को पॉज करो, फटाफट से मुझे आज का आंसर बताओ, ए बी सी या फिर डी में से क्या आंसर होगा। और आपका आंसर गलत आता है तो कोई बात नहीं, फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि कब प्लस करना चाहिए और कब माइनस करना चाहिए, ठीक है, कब प्लस करना चाहिए कब माइनस करना चाहिए, ये सारी डिटेल मैं आपको दो मिनट में समझा दूंगा। और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का आपका मेजर कोर कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, बैंक स्टेटमेंट आपने निकाला 8,500 ओवरड्रॉन है और हमने ये पता लगाया कि अभी अनप्रेजेंटेड चेक है कितने रुपए के, 2,000 के, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट है हमारे 1,500 रुपए के, तो आपको ये बताना है ओवरड्राफ्ट एस पर कैश बुक कितना है, ओवरड्राफ्ट एस पर कैश बुक कितना है। तो वीडियो को पॉज करो फिर मुझे फटाफट से आंसर बताओ कि क्या होगा। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं जब तक आप मेरे को आंसर बता रहे हैं। तो बच्चों क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपका 8,500 बैलेंस ओवरड्रॉन है, मतलब 8,500 नेगेटिव बैलेंस हुआ, हाँ या ना, ओवरड्रॉन है तो नेगेटिव बैलेंस हुआ। और आपको बैलेंस एज पर पासबुक दे रखा है, आपको बैलेंस एज पर कैश बुक निकालना है। क्या निकालना है आपको, बैलेंस एज पर कैश बुक। तो कैश बुक में जो हो रखा होगा वही हम अपने अंदर करेंगे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अनप्रेजेंटेड चेक अमाउंटिंग टू रुपीज 2,000, अनप्रेजेंटेड चेक अमाउंटिंग टू रुपीज 2,000। इसका मतलब क्या है, हमने अपने पास से पेमेंट कर दिया लेकिन बैंक से अभी कम नहीं हुए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमने अपने पार्ट से पेमेंट कर दिया बट बैंक से अभी कम नहीं हुए, तो कैश बुक में कम हो गया तो पासबुक में भी क्या कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक है, ओके। अगला सवाल, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट अमाउंटिंग टू रुपीज 1,500, अनक्रेडिटेड अमाउंट रुपीज अमाउंटेड टू रुपीज 1,500, मतलब हमने कैश बुक में बढ़ा लिया बट बैंक में अभी नहीं बढ़ा, तो कैश में बढ़ गया तो बैंक में भी बढ़ा लेंगे प्लस 1,500, ठीक है, ये चीज क्लियर होगी आपको, ओके। तो जरा टोटल कर लो कितना आ गया हमारा, नेगेटिव का 500, तो ये होगा हमारा नेगेटिव का 9,000। और नेगेटिव का 9,000 का मतलब क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक या फिर ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 9,000। क्या ये चीज क्लियर है आपको कि इसका 9,000 कैसे आंसर आया, हाँ या ना मैं जवाब दे दो, बहुत सही। अब मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो कुछ बच्चे होते हैं जो परेशान हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता सब कब प्लस करते हो कब माइनस करते हो। तो बच्चों ध्यान रखो, आपको कोई बैलेंस दे रखा होगा, मान के चलो बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है, यहाँ पे आपको कैश बुक भी दे रखा हो सकता है, आपको पासबुक भी दे रखा हो सकता है, ठीक है। अगर डेब या तो अमाउंट प्लस में होगी
या फिर अमाउंट माइनस में होगी, हाँ या ना, या फिर अमाउंट प्लस में होगी या फिर अमाउंट माइनस में होगी। फिर इसमें हम बहुत सारी चीजें प्लस करते हैं, बहुत सारी चीजें माइनस करते हैं, उसके बाद हमारा आंसर या तो पॉजिटिव में आ रहा होता है या फिर नेगेटिव में आ रहा होता है, हाँ ना। लेकिन एक सवाल आता है, सर हम कब प्लस करते हैं कब माइनस करते हैं, जरा ये बताओ। बच्चों के एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आपको बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल दूंगा दो मिनट का, लेकिन आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मान के चलो ये आप हो यू, और मान के चलो आपको किसके जैसा बनना है, आपको बिल गेट्स के जैसा बनना है। आई रिपीट, आपको किसके जैसा बनना है, बिल गेट्स के जैसा बनना है। अब बताओ बच्चों आप क्या करते हो, 8 घंटे टीवी देखते हो। आई रिपीट, आप कितने घंटे टीवी देखते हो, आप 8 घंटे टीवी देखते हो, और बिल गेट्स है जो कि सिर्फ 3 घंटे टीवी देखता है। आई रिपीट, बिल गेट्स जो है वो कितने घंटे टीवी देखता है, 3 घंटे टीवी देखता है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर आपको बिल गेट्स के जैसा बनना है, अगर आपको बिल गेट्स के जैसा बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 5 घंटे कम करने पड़ेंगे, हाँ या ना, आपको 5 घंटे कम करने पड़ेंगे, तब जाके आप बिल गेट्स के बराबर आ पाओगे। क्या ये चीज क्लियर हुई आपको? ओके, अगला सवाल। अब मान के चलो एक सवाल और करते हैं, आप सिर्फ साल भर में एक बुक पढ़ते हो, आप पूरे साल भर में सिर्फ एक बुक पढ़ते हो, और हमारे बिल गेट्स भैया पूरे साल भर में 40 बुक पढ़ते हैं। डिफरेंस देख रहे हो, आप पूरे साल भर में कितनी बुक पढ़ते हो, एक बुक पढ़ते हो, और बिल गेट्स पूरे साल भर में 40 बुक पढ़ते हैं। तो आपको बिल गेट्स जैसा बनना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको 39 बुक्स और रीड करनी पड़ेगी, हाँ या ना, आपको 39 बुक्स और रीड करनी पड़ेगी, तब जाकर आप बिल गेट्स के बराबर आ पाओगे। क्या ये आपको चीज समझ में आ रही है बच्चों? यही चीज पासबुक और कैशबुक में है। अगर आपको पासबुक दे रखी है, आपको कैशबुक जैसा बनना है, तो कैशबुक में जो हो रहा होगा वही चीज आपको अपने में प्लस माइनस करनी पड़ेगी। कैशबुक में कुछ ज्यादा आ रहा है तो आपको भी ऐड करना पड़ेगा, कैशबुक में कुछ कम आ रहा है तो आपको भी माइनस करना पड़ेगा। ये चीज क्लियर हो गया? वैसे ही उल्टा कर लेते हैं, आपको कैशबुक दे रखी है, आपको पासबुक जैसा बनना है, ठीक है, कैशबुक दे रखी है, पासबुक का बैलेंस निकालना है, तो पासबुक में जो हो रहा है वही अपने में करना पड़ेगा। कैश पासबुक में ऐड है तो अपने में ऐड कर लो, पासबुक में नहीं है तो अपने में इसे माइनस कर दो। यही लॉजिक लगाना है पूरे उसके अंदर, ऐसे प्लस माइनस करोगे आपका आंसर एकदम 100% एक्यूरेट आएगा, ठीक है। तो मैं जरा वापस बताता हूँ कि हमने क्या किया था। बच्चों यहाँ पे क्या दे रखा था आपको, बैंक बैलेंस दे रखा था, आपको कैशबुक जैसा बनना है। आई रिपीट, आपको क्या दे रखा था, बैंक बैलेंस दे रखा था, आपको कैशबुक जैसा बनना है। तो कैशबुक में जो हो चुका है वही आपको अंदर अपने इनकॉर्पोरेट करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, अनप्रेजेंटेड चेक, मतलब हमने कैश में से माइनस कर दिए होंगे 2000, तो हमने यहाँ पे भी 2000 माइनस कर दिए। यहाँ पे 1500 प्लस हो रखे थे तो हमने बैंक में भी 1500 प्लस कर दिए, तुम्हारा आंसर आ गया एग्जैक्टली 9000। आप कोई और रूल भी लगा सकते हो लेकिन आपका आंसर 9000 ही आएगा। क्लियर? ओके। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो जेस मेथड से आपको करता आ रहे हो, आप उसी से करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला सवाल, ऑन द बैंक स्टेटमेंट कैश डिपॉजिटेड बाय द कंपनी इज नोन एज, जब आप बैंक में पैसा जमा कराते हो तो पासबुक में या बैंक स्टेटमेंट वो कहाँ चीज दिखाई जाती है, डेबिट में चीज दिखाई जाती है, क्रेडिट में चीज दिखाई जाती है, लायबिलिटी में चीज दिखाई जाती है, या फिर एक्सपेंस में चीज दिखाई जाती है, बताओ। बैंक स्टेटमेंट में वो चीज कहाँ दिखाई देती है जब आप पैसा जमा कराते हो बैंक के अंदर, क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में, लायबिलिटी में, या फिर एक्सपेंस में, बताओ बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, ए बी सी या फिर डी। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वह ऑप्शन नंबर ए, क्रेडिट। इसका आंसर क्या है, क्रेडिट। आपने सुना नहीं है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद ₹20,000, आपके अकाउंट में 20,000 रुपए आ गए हैं। तो बैंक स्टेटमेंट में जब भी हमारा पैसा भरता है, जब भी हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो हमारा अकाउंट क्रेडिट होता है, और जब भी पैसा निकलता है तो हमारा अकाउंट डेबिट होता है। आपने ऑनलाइन शॉपिंग करी होगी, पेमेंट किया होगा तो लिखा होगा ना, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड विद ₹10,000। क्लियर? तो प्लस होता है तो क्रेडिट होता है, और माइनस होता है तो डेबिट होता है। क्लियर? ओके। अगला सवाल, फिर से क्वेश्चन आ गया, फॉलोइंग डिटेल्स आर रिलेटेड टू अ फर्म बैंकिंग ट्रांजैक्शन एज ए 31 मार्च 2019। ओके, बैलेंस एज पर पासबुक या फिर बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट इज 22,650। बच्चों यहाँ पे पॉजिटिव है, नेगेटिव है, डेबिट है, क्रेडिट है, फेवरेबल है, अनफेवरेबल है, कुछ भी नहीं दे रखा, तो क्या मान के चलेंगे, फेवरेबल बैलेंस मान के चलेंगे।
तो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट आपको कितना दे रखा है, 22,650 दे रखा है, क्लियर? ओके। अनक्लियर्ड लॉजमेंट रुपीज 3,110, ओके। अनप्रेजेंटेड चेक रुपीज 6,290, ओके। बैंक क्रेडिट रिकॉर्ड ट्वाइस बाय बैंक इन एरर रुपीज 650। विच बैलेंस ऑफ फॉर कैश एट बैंक शुड अपियर इन द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। मतलब ये आपको बैंक स्टेटमेंट दे रखा है, आपको कैश का जैसे बनना है, ठीक है? आपको बैंक दे रखा है, आपको कैश जैसा बनना है, तो कैश में जो चीज आप ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके होंगे वही चेंजेस आपको किस में कर लेने हैं, बैंक में कर देने। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? कैश में जो चीज आ रही है तो बैंक में ऐड कर देंगे, कैश में जो चीज नहीं है तो वो बैंक से भी माइनस कर देंगे। ये चीज समझ में आ रही है? ओके, तो बताओ बच्चों उसका आंसर क्या होगा। ए 18,820, बी 20,120, सी 25,180, या फिर डी 26,480। वीडियो को पॉज करो, अभी पॉज करो, कैलकुलेट करो, फिर मुझे इसका आंसर बताओ, तभी मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है? ओके, करो वीडियो को पॉज। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका आंसर क्या है। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, बैंक का बैलेंस दे रखा है 22,650, ठीक है? अब आपको क्या करना है, जो चीज कैश में ऐड है वो आप ऐड कर दोगे, जो चीज कैश से माइनस है, जो कैश में नहीं है, तो यहां से भी हटा दोगे। तो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, अनक्लियर लॉजमेंट रुपीज 3,110। अनक्लियर लॉजमेंट का मतलब क्या है, कि आपने बैंक में कुछ जमा कराया था बट वो अभी अकाउंट पैसा नहीं आया, तो बैंक में नहीं आया बट हमने कैश बुक में उसको रिकॉर्ड कर लिया होगा, तो कैश बुक में आ गया तो वो यहां पर भी आएगा, तो हम क्या कर देंगे, प्लस 3,110। जरा ऐड कर दो, 06752, क्लियर? अगला, अनप्रेजेंटेड चेक रुपीज 6,290, बैंक से माइनस नहीं हुआ लेकिन कैश से माइनस हो गया, और कैश जैसा बनना है तो ये भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 6,290 माइनस कर दिया जाएगा, तो 0, 16 में से 9 गए 7, बचा 6, और तो 6 में से 2 गए 4, यहां पर आया हमारा कितना, ठीक है, ये तो क्लियर हो ही गया। 15 में से 6 गए कितने आया 9, और ये कितना आया 1, 19,470, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। आगे क्या दे रखा है, बैंक क्रेडिट रिकॉर्ड ट्वाइस बाय बैंक इन द एरर 650। बैंक ने इस चीज को दो बार रिकॉर्ड कर दिया है 650, बट हमने एक ही बार रिकॉर्ड किया होगा, तो क्या करेंगे, 650 को माइनस करेंगे। कैश बुक पे एक बार रिकॉर्ड हो रहा है लेकिन यहां पे बैंक में दो बार हो रहा है, तो माइनस करेंगे, तो 02881, क्लियर? तो 18,820 क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, क्लियर हो गया? तो जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो क्या है, हमारा ऑप्शन नंबर ए 18,820। वही लॉजिक लगाना है, कैश बुक में है तो हम ऐड कर देंगे, कैश बुक में नहीं है तो हम माइनस कर देंगे, क्लियर? ये चीज बच्चों आपको ध्यान में रखनी है। क्या ये चीज क्लियर हो गया आपको? बहुत बढ़िया। अब बच्चों बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या, जरा रीड करेंगे, एक और न्यूमेरिकल आ गया। कैश बुक बैलेंस कितना दे रखा है, 1790 डेबिट। बच्चों कैश बुक का 1790 डेबिट का मतलब क्या होता है, प्लस या नेगेटिव? प्लस या फिर नेगेटिव? प्लस, क्लियर? व्हेन कंपेयर्ड विद द बैंक स्टेटमेंट इट वाज आइडेंटिफाइड दैट अनप्रेजेंटेड चेक वर रुपीज 1040। अनप्रेजेंटेड चेक मतलब क्या, हमने अपने पार्ट से कम कर दिया था बट बैंक से कम नहीं हुए थे। डिपॉजिटेड नॉट क्रेडिटेड वर रुपीज 820, मतलब हमने बैंक में कुछ पैसा जमा कराया था बट बैंक में अभी पैसा नहीं आया, हमने अपने पास लिख रखा था लेकिन बैंक में अभी नहीं आया, और यहाँ पर हमको पासबुक का बैलेंस निकालना है। तो चलिए सॉल्व करें बच्चों, फटाफट से सॉल्व करते हैं। आपको 1790 पॉजिटिव बैलेंस दे रखा है, ठीक है? यहाँ पे क्या दे रखा है, अनप्रेजेंटेड चेक, मतलब आपने अपने पार्ट से माइनस कर दिए होंगे बट बैंक से अभी माइनस नहीं हुए, तो बैंक के बराबर आना तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे 1040। जरा करो कितना आ गया, 0382, ये क्लियर हो गया। इसके अलावा इन्होंने क्या बोला है, डिपॉजिटेड नॉट क्रेडिटेड, मतलब आपने कैश बुक में प्लस कर लिया था बट पासबुक में प्लस नहीं हुए थे, और जो पासबुक में नहीं है तो यहां से भी माइनस कर दिया जाएगा, मतलब 820 क्या कर दो, माइनस कर दो, कितना आ गया, 0102, तो 2010 विल बी द करेक्ट आंसर। क्या ये चीज क्लियर हो गया आपको? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 2010।
लॉजिक क्लियर हो गया आपको? बहुत बढ़िया। अब बच्चों बात करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट ही है ना? हाँ लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, इधर रीड करेंगे एक सेकेंड। हाँ, डायरेक्टली कलेक्शन ऑफ बैंक आर टू बी डैश इन द कैश बुक। बैंक में जो डायरेक्टली पैसा आ जाता है वो हम कैश बुक पे कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, कहीं भी रिकॉर्ड कर लो, क्रेडिट या डेबिट साइड आपकी मर्जी, या फिर कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करते। बताओ बैंक में जो भी पैसा डायरेक्टली आ जाता है या बैंक जो डायरेक्टली पैसा कलेक्ट कर लेता है वो कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, कहीं भी नहीं या फिर कहीं भी? बताओ ए बी सी या फिर डी, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। तो बैंक में जो भी पैसा आता है हम क्या करते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो बैंक में पैसा आ रहा है तो कहां रिकॉर्ड किया जाएगा? डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है? ओके। अच्छा बच्चों इस चीज में आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है, बैंक रिकंसिलिएशन के स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखने हैं। और हमने देखा कि बैंक रिकंसिलिएशन को हम दो तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, प्लस माइनस वाले मेथड से और एक दूसरे वाले मेथड से जो आप करते आ रहे हो, ठीक है? तो कोई भी एक मेथड फॉलो कर लेना, आपका आंसर हमेशा सही आएगा। बोथ मेथड आर करेक्ट, ठीक है? जो आप बुक में जो रूल्स नहीं दे रखे होते हैं, अनफेवरेबल बैलेंसेस पर कैश बुक है तो आप क्या करोगे, फेवरेबल बैलेंसेस पर कैश बुक है तो आप क्या करोगे, तो ऐसे चार फॉर्मेट दे रखे हैं उसमें प्लस माइनस है, तो बच्चे रटने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको रटना नहीं है, सिर्फ लॉजिक को समझना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है बच्चों? तो आज के सेशन के लिए इतना ही। बैंक रिकंसिलिएशन अभी स्टेटमेंट अभी खत्म नहीं हुआ है, नेक्स्ट सेशन में इसको कंटिन्यू करेंगे और आगे के चैप्टर में भी बढ़ेंगे। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय।